गुजरात के सूरत जिले में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य जीवन रक्षक दवाई बनाने वाली फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद में उनके संचालकों से पूछताछ की जा रही है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन सपन जैन के माध्यम से जबलपुर में भी सप्लाई किया गया था। गुजरात पुलिस ने 2 दिन पूर्व सपन जैन को जबलपुर से गिरफ्तार किया था और लगातार उससे पूछताछ जारी है। क्राइम ब्रांच के अलावा जिला प्रशासन बारीकी से नजर बनाए हुए है। भगवती फार्मा की दवा स्टॉक की भी बारीकी से जांच की जा रही है। ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा दुकान में उपलब्ध सभी दवाइयों की चेकिंग की जा रही है। लंबे समय से यह कवायद देखने को मिल रही थी। कोरोना काल में यह टीम और भी ज़्यादा सक्रिय हुई है और इस तरीके की वारदात को उन्होंने अंजाम दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस और क्राइम ब्रांच इस बात की जाँच कर रही है कि गुजरात से जबलपुर भेजे गए नकली रेमडेसिविर और अन्य इंजेक्शन किस दुकान के माध्यम से सप्लाई हुए हैं, कारोबार करने वालों में कितने लोग शामिल हैं। अभी ये सिविक सेंटर थोकदबा बाजार में भगवती फार्मा पे एक जॉइंट सर्चिंग चल रही है, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर हैं हमारे, जिला प्रशासन के अधिकारी और अमती पुलिस है। जो जानकारियां मिली हैं उन तथ्यों के आधार पर भी सर्च की जा रही है। अन्य स्थानों पर और भी जानकारी एकत्रित की जाएगी और जो उस जाँच में तथ्य आएंगे तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब तक की क्या फाइंडिंग? अभी तो केवल सर्च हुई है, कुछ चीज़ें जो तथ्य हैं हमारे जो ड्राइविंग इंस्पेक्टर ने वो चीज़ों को देखा है और ये चूंकि अभी विवेचना का विषय है और अभी इसमें बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता। बताया जा रहा है कि 200 से ज़्यादा रेमडेसिविर जबलपुर में खपाए गए हैं और यहाँ से महाकौशल या विंध्य के अन्य अंचलों में भेजे गए। उस चीज़ की भी जाँच की जाएगी। पुलिस उस चीज़ को गंभीरता से ले रही है, हमारे वरिष्ठ अधिकारी इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। जो इससे संबंधित जो भी गड़बड़ियाँ हुई हैं उसको जांच में लिया जाएगा और जांच में एक तत्व को निकाला जाएगा। गुजरात पुलिस से क्या इनपुट मिला, क्या एक्शन लिया? वो सारी चीज़ें विवेचना में गोपनीय है, उनको वो अपनी विवेचना कर रहे हैं। उनने यहाँ जो शेयर किया है उसको अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। जो जो अभी हम लोगों को करना है वो हर कदम हम उठाएंगे। क्या पा रहे हैं अभी? सर्च की जा रही, जाँच की जा रही है और तथ्यों को एकत्रित किया जा रहा है। 5 दुकानों पर रेड है, कितनी जगहों पर? अभी 1 दुकान की रेड है, अभी आगे हम कहाँ जाने वाले वो भी अभी नहीं बता पाएंगे आपको, लेकिन अभी कार्रवाई होगी। इसमें